हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, आज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के, क्योंकि मेरे कुछ एक फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैम प्लीज़ लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि हमें हेल्प मिल सके। जो TGT के एग्ज़ाम हैं या कमीशन के कोई भी क्लर्क का है चाहे कोई भी है, तो फ्रेंड्स इसमें मैं आज मेंटल एबिलिटी में ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट जो है इसमें कुछ एक क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके बताऊंगी या कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। तो उसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे ब्लड रिलेशन आपको पता होने चाहिए, तो उसमें सबसे पहले हैं फादर्स एंड मदर्स। फादर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर। फादर्स, मदर्स, मदर, ग्रैंड मदर, सन्स, वाइफ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स, हस्बैंड, सन इन लॉ, हस्बैंड्स, वाइफ्स, ब्रदर या सिस्टर्स, हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड्स, वाइफ, सिस्टर या ब्रदर्स, वाइफ, ये सिस्टर इन लॉ, ब्रदर्स, सन्स, ब्रदर्स, सन या डॉटर, नेफ्यू, नीज, मदर्स, फादर्स, ब्रदर, अंकल या मदर्स, फादर्स, सिस्टर। तो ये कुछ एक रिलेशनशिप है जो हमें पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हैं इसमें एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की, जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये वीडियो जो है आप अंत तक देखें तभी आपको कुछ, क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं गए हैं, तीनों अलग अलग टाइप के हैं, तो आप ट्रिक देख सकते हैं, इससे आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे जो है सॉल्व होते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि इज़ द ब्रदर ऑफ अरुण, स्वाति इज़ द सिस्टर ऑफ शशि, अरुण इज़ द सन ऑफ स्वाति, हाउ इज रवि रिलेटेड टू शशि। तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि इनमें ये जो पूरा क्वेश्चन है, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें जो है कॉमन नेम कौन सा है। तो इसमें रवि इज़ द ब्रदर ऑफ अरुण, एक अरुण नाम यहाँ पे आया, स्वाति इज़ द सिस्टर ऑफ शशि एंड अरुण इज़ द सन ऑफ स्वाति, मतलब अरुण जो है दो बार आया हमारे पास। तो इसमें पूछा है रवि कैसे जो है शशि से रिलेटेड है। तो अभी ये क्वेश्चन जो है इन्होंने तो सिंपल आंसर ऐसे लिख दिया हुआ है, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। जैसे आप बोला है कि अरुण जो है इज़ द ब्रदर ऑफ रवि, अरुण मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि अरुण इज़ द सन ऑफ स्वाति भी है, तो अरुण दोनों में कॉमन है। एक तरफ मैंने बीच में अरुण लिख दिया, साइड में रवि और एक साइड में स्वाति, ऊपर मैंने इनका रिलेशन लिख दिया कि अरुण जो है रवि का ब्रदर है और स्वाति का बेटा है। तो अब पूछा हुआ है हाउ एंड सॉरी शशि इज़ द सिस्टर ऑफ स्वाति, ये लिख दिया मैंने, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब पूछा है हाउ इज़ रवि रिलेटेड टू शशि, तो इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि अरुण और रवि तो ब्रदर हैं, स्वाति का बेटा है और स्वाति की सिस्टर है शशि, तो ऑब्वियस है रवि जो है शशि का नेफ्यू है, भतीजा है। तो इसका आंसर आ गया, आपने देखा सॉल्यूशन आ गया ए, नेफ्यू, भतीजा। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है सॉल्व करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको कैसे हैं। इफ़ बल्लू सेज दैट हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर, देन हाउ इज रिलेटेड टू बल्लू। तो बल्लू जो है इसमें कॉमन नेम है, हमने बोला कि बल्लू लिखा है, बल्लू सेज दैट हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर, कि एक इन्होंने एज का नाम नहीं मेंशन किया हुआ है, इन्होंने बोला कि जो बल्लू की माता है वो डॉटर है, बेटी है जो ए की माता है, मतलब कि ये और ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। तो इन्होंने बोला है कि बल्लू कैसे रिलेटेड है ए, तो ए का नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ए की मदर जो है इसकी मदर भी हुई, ठीक है, तो ये जो है इसकी नानी हो गई और ए जो ए है ये इसका मैटरनल अंकल हो गया बल्लू का, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड सी एंड डी इज सीज मदर, ई इज़ बीज सिस्टर एंड हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ई। तो मतलब इसमें जो है हमारे पास बी जो है कॉमन है, क्योंकि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड ई इज़ द सिस्टर ऑफ बी, पहले हमने बी कॉमन ले लेना है, पहले लिखा ए इज़ ब्रदर ऑफ बी एंड बी की सिस्टर है
E. Or A is brother of B. लिखा है A is brother of B and C and D is C is mother and लिखा है A is B's sister. How is D is related to A? Obvious है ये mother हुई इसकी mother हुई क्योंकि ये सारे जो है brother sister हैं ये सारे के सारे brother sister हैं तो ये इसकी mother हुई. अब एक question दोबारा से देख लें. A is brother of B and C. A जो है B और C का brother है and D is C's mother. तो D जो है C की mother है मतलब A इन सब की mother D हुई and E is B's sister. Obvious है ये सारे के सारे भाई बहन हुए और D जो है इनकी mother हुई तो obvious है E की भी mother हुई. तो ये इसका आंसर आ गया D is mother. तो ये कुछ एक ट्रिक थी सॉल्व करने की ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चन की. तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका अपडेट मिल सके. और ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ये सिर्फ HP के लिए नहीं है, HP एग्ज़ाम के लिए ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.